खम्मा गणिसा, आज मैं आपने अंकुरित मूंग मोठ रो डोसो बनान बताऊं। एकदम पतले पापड़ वेजड़ो और डोसो तैयार हुए। इना एक मोटी बटकी मूंग मोठ, आधे में कम बटकी चावल आटो, एक चम्मच लून, एक मोटी मिर्च बोटियोड़ी। हमें मिक्सी रे जार रे मैंने ए अंकुरित मूंग मोठ गाल दें, लून गाल दें और मिर्च गाल दें और थोड़ो पानी घात इन्हें मई पीस देनो। हमें मूंग मोठ ने पीस दिया है, इनमें नौको चावलो आटो। अगर चावलो आटो आप रखना नहीं हुए तो इन जगह आप दो छोटा चम्मच बेसन नौक सको, गेहूँ और आटो नौक सको या मैदो नौक सको। हम इनमें तो बड़े पानी घात घोल तैयार कर दें। इनमें गोंठ नहीं रहनी चाहिए, घोल नहीं तो जड़ो राखनो नहीं पतलो राखनो। हम चम्मच फेरन हैंग एक तुमार कर देनो और 5 मिनट इन्हें पछे रख देनो जब चावल और आटो फूली जावे। हमें गैस लगान माते मेलो डोसो वालो तवो। तवो ऊनो गोए अटे एक चम्मच घातो गोल अन इन चम्मच में कन ओड़े ओड़े पूरे तवे माते वो गोल फैला लिया। अपर डोसो हकरो जणी ज बेणी जद तवो सही होई। तवो जे घणो ऊनो यो तो डोसे रो गोल छिप जाए अन ठाडो यो तो ही छिप जाए। तवो बराबर एक तुमार ऊनो राखनो, जे घणो ऊनो हो जावे तो पानी छोटो दे इन्हें ठाडो कर देनो अन गैस राखनो अध पीछे, नहीं तो खातो राखनो न होले। हमें ओड़े ओड़े डोसो हिकन ढूको है। हमें और डोसो करकरो गोए हिग्यो है, इन टाइम लगाओ तेल। जब डोसो करकरो हो जावे उई टाइम ही तेल नोणो। तेल नोते डोसे तवो छोड़ दियो है, हमें इन्हें अड़े पलट परोन थोड़ो थोड़ो दबान हेक दें। जे कटी चिपतो वे तो थोड़ो सो बड़े तेल लगा दें। गैस ने अड़े राखनो जणी जो करक रोही की लो साओ। देखो एकदम पापड़ वेजड़ो पर मूंग मोठ डोसो तैयार।